नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको बता रहा हूँ लेथ मशीन के ऊपर थ्रेड किस तरीके से बनाते हैं। यानी कोई बंदा आया, कोई आदमी आया, वो कह रहा है हमारे यार ये बोल्ट पे या शाफ्ट पे थ्रेड बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले क्या करोगे? कोई आदमी आया, उसने कहा कि आज ये वर्क पीस है, इसके ऊपर थ्रेड बनाना है, ये मेरी मोटर की शाफ्ट है, इसके ऊपर थ्रेड बनाना है, तो किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले जो भी आता है उसको आप क्या करोगे, थ्रेड गेज रहता है ना, थ्रेड गेज की सहायता से इसके ऊपर थ्रेड मेजर कर सकते हो, ये कितनी टीपीआई की थ्रेड है। टीपीआई क्या रहता है? थ्रेड पर इंच। तो इसके ऊपर दो तरीके की थ्रेड निकाल सकते हैं। एक रहता है विथवर्ट, वो रहता है 55 डिग्री, यानी BSW बोलते हैं, और सेकेंड बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में रहता है वो एंगल 60 डिग्री का रहता है, मैट्रिक में रहता है वो एंगल 60 डिग्री का रहता है, और BSW में 55 डिग्री का। तो अधिकतर इंडिया में 55 डिग्री वाला BSW का यूज किया था। तो ये शाफ्ट लेके आया, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके ऊपर जो थ्रेड रहती ना उसको TPI मेजर कर लो। तो देखो ये इसमें कितना लग रहा है, 10G 3x4 इंच, यानी इसमें जो थ्रेड है, तो हम इसको पनीर क्लिपर की सहायता से मेजर कर सकते हैं, यानी 1 इंच में कितनी थ्रेड बन रही। तो 1 इंच पे मैंने सेट कर रखा है, इसके ऊपर हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी थ्रेड इसके ऊपर बन रही है। तो हम मेजर कर सकते हैं यहां से लेके इतना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 इंच में 10 टीथ लिख रहा है, 10 थ्रेड बन रही। तो हम उस वो थ्रेड चार्ट है ना, थ्रेड चार्टों के ऊपर हम ले जाके बता सकते हैं कि 1 इंच पे कितनी थ्रेड बन रही। तो मैं आपको वहां पर ले जाके बताता हूँ, थ्रेड चार्ट बताऊंगा, इसके बाद गियर अरेंजमेंट बताऊंगा। तो यदि कोई बंदा यदि नॉर्मल लेके भी आता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका डायमीटर मेजर कर लो। तो जो डायमीटर मेजर कर लेंगे जो शाफ्ट को, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी शाफ्ट रहती है उसका डायमीटर को मेजर कर लेते हैं। मेजर इसका 20 mm डायमीटर है, ठीक है। उसी तरह यदि ये इसकी शाफ्ट खराब हो जाती है, तो इसके बाद जो बोल्ट रहता है ना उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि अंदर की साइड को थ्रेड मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर की साइड की हम थ्रेड मेजर कर सकते हैं, इसके बाद इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। यानी हम दोनों चीजों से कर सकते हैं, बोल्ट से भी कर सकते हैं और नट से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम इसका थ्रेड की जो पिच रहती है ना उसको मेजर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था उसके अंदर कितना 10 टीथ पर इंच है, थ्रेड टीथ है 10 टीथ पर इंच है। तो मैं आपको थ्रेड चार्ट समझाता हूँ, उसके बाद गियर समझाऊंगा और फिर थ्रेड बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने उसमें बताया ना 10 TPI 10 थ्रेड पर इंच, तो हम इसमें 10 देखेंगे। देखो 60 50 52 58 48 40 40 36, इस तरीके से हमको 10 देखना है, 10 टीथ पर इंच। तो इसमें क्या है, ये 10 ये आ गया, 10 टीथ इसमें ऊपर लिख रहा है ना, ये 10 टीथ। देखो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि थ्रेड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है और उसको समझना बहुत जरूरी होता है, और आराम से समझना, ध्यानपूर्वक समझना। यदि आपका ये थ्रेड थोड़े में ही खराब हो जाती है, यदि ओवरलैप हो गए, तो आपका पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो ये 10 दिख रहे हैं, 10 TPI पर इंच, तो 10 ऊपर देख लिया। अब उसके ऊपर वाला देखेंगे, हमको दो चीज देखना है, एक वर्टिकल देखना है, एक हॉरिजॉन्टल देखना है। तो वर्टिकल में देखो ये 10 के ऊपर कितना दिख रहा है, लीवर की पोजिशन क्या है, 6 है, ठीक है ना। अब 10th के इधर जो गियर रेशियो है वो उसका क्या है, ए और सी है। तो जो गियर रेशियो हम बनाएंगे वो ए और सी होना चाहिए, और लीवर की पोजीशन 6 होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी थ्रेड हो, तो थ्रेड गेज से क्या रहता है, थ्रेड को मेजर कर लो, जो भी उसमें आता है कितना भी टीपीआई होता है 28, तो 28 TPI आएगा, तो लीवर की पोजिशन 2 होना चाहिए और गियर रेशियो बी और डी होना चाहिए। इसी तरह कोई सा भी हो, 48 आया, 48 TPI आया, तो आपका लीवर की पोजीशन 4 होना चाहिए और गियर रेशियो ए और डी होना चाहिए। इस तरीके से आप थ्रेड चार को आसानी से समझ सकते हो। दिमाग लगा कर समझोगे तो बहुत आसानी है, और दिमाग नहीं लगाया तो बहुत कठिन है। तो हमको क्या निकाला, 10 निकालना है, तो लीवर की पोजीशन 6 करना है, इसके बाद आपको ए और सी गियर रेशियो करना है। तो मैं ए और सी गियर रेशियो किस तरीके से करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो
तो सबसे पहले मैंने इसको सेट कर दिया, देखो उसमें क्या था 10 TPI, तो 6 पर था, तो ये लीवर की पोजीशन थी ना वो 6 पे कर दी, देखो ये लीवर की पोजीशन 6 पे, तो हमने लीवर की पोजीशन 6 कर दी। और गियर क्या था, ए और सी, तो जो गियर देखो ये एरो मार्क बनाया था, तो हमने क्या, ए इधर है, ये ए है और नीचे सी है, तो मैंने इसको फिट कर दिया, ए और सी पे हमने फिट कर दिया। इसके बाद इसको लीवर को डिसंगेज और इंगेज, तो मैंने इसको लीवर को भी इंगेज कर दिया, ये लीड स्क्रू वाला रहता तो भी थ्रेड कटना चालू हो गई। इसके बाद इसको इंगेज और डिसंगेज कर दिया मैंने, जो फीड रोड रहती है उसको इंगेज और डिसंगेज कर देता है, मैं उसको चालू करके बता रहा हूँ। तो मैंने दोनों तरफ से इंगेज और डिसंगेज करते तो आपको थ्रेड वरना चालू हो जाएगा। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज देती, थ्रेड गेज, थ्रेड गेज के बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये थ्रेड गेज है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई थ्रेड बनाते तो इसकी मार्किंग करना बहुत जरूरी होता है। मार्किंग करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, यानी हमने इसको सेट कर लिया 3 पर, तो हम उसको 3 पर ही रखेंगे जब तक हमारी थ्रेड कट ना जाए। क्या रहता है, जब हमने पहला कट दिया तो उसको मार्किंग करना इसलिए जरूरी, जब हम पहला कट देते हैं ना, पहला कट देने के बाद इसको हम फ्यूज को जब वापस लाते हैं और हैंड व्हील को लाते तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पर से चालू किया था। यदि एक बार कट दे दिया वो तो सही जाएगा, लेकिन सेकंड कट में क्या रहता है, यदि कट सही ढंग से नहीं गया तो ओवरलैप हो जाएगी और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है थ्रेड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हमने गियर अरेंजमेंट कर लिया, 10 TPI पर इंच कर ली, अब हम इसके ऊपर थ्रेड बनाएंगे। तो मैं थ्रेड बनाना आपको बताता हूँ, सबसे पहले किस तरीके से हम करेंगे। जो हाफ इंगेजिंग नट रहता है ना, उसको हम इंगेज कर देते हैं, तो हाफ इंगेजिंग नट होता वो क्या, लीड स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है और ये घूमना चालू हो जाता है, ठीक है। जो किस तरीके से रहेगा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मशीन को चालू कर दिया ना, तो हाफ इंगेजिंग नट किस तरीके से काम करता है, वो मैंने हाफ इंगेजिंग नट को इंगेज कर दिया, इंगेज कर दिया ना, ऑटोमेटिक तो जाने लग जाता है और ये चूड़ियां बनना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से मैं आपको थ्रेड बनाना बताता हूँ उधर। तो दोस्तों मैं आप मशीन चालू करके बता रहा हूँ थ्रेड किस तरीके से बनेगी, मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, अब थ्रेड बनना किस तरीके से चालू होगी। सबसे पहले हाफ इंगेजिंग नट को मैंने कनेक्ट कर दिया, थ्रेड बनना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों बार बार हमको वो ही कट देने पर ये थ्रेड बनना चालू हो जाती है और थ्रेड बन जाती है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि कोई कुछ कमेंट हो तो वो जरूर लिखना। लेकिन जब भी आप थ्रेड बनाओ तो बड़े ध्यान पूर्वक बनाना, क्या रहता है थ्रेड ओवरलैप हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉपर थ्रेड बन नहीं पाती है। तो इस तरीके से प्रॉपर थ्रेड बन नहीं पाती है, यानी तो आपको बढ़िया अच्छे तरीके से बनाना। देखो मैंने आपको थ्रेड बनाना सिखाया, ठीक है ना, इस तरीके से थ्रेड बनती है और आप बार बार कट देकर एक अच्छी थ्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, जेपी।